हेलो यस yes, आज एलिगेशन पार्ट वन में हम एक बेसिक पर चल रहे हैं हम लोग ठीक है बेसिक कंसेप्ट वंस लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था फिर आज एक रिवाइज़ कर दे रहा हूँ आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में एलिगेशन, के, एलिगेशन का एलिगेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलिगेशन का यहाँ पर जो देख रहे हैं इस, इसका इसका मीनिंग इस सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो क्या है मिक्सचर ठीक है यानी कि दो को मिक्स किया जाता है उसको हम लोग इस एलिगेशन के रूल्स रूल्स ऑफ एलिगेशन क्या है इसका एप्लीकेशन के साथ हम यहाँ यूज करते हैं रूल्स ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पर थ्री पॉइंट को लेते हैं ए एंड बी दो दो प्रकार के क्वालिटी है उस दो क्वालिटी को हम मिक्स करके एक तीसरा क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों को डिफरेंस करके यहाँ पर लिखते हैं उस पार्ट को हम वाई से डिनोट करते हैं इन दोनों को डिफरेंस करके यहाँ एक्स से हो गया ओके okay? अब देखो ना यहाँ एक्स और वाई का जो रेशियो निकाल जाएंगे इसी रेशियो में इन दोनों को यहाँ पर क्या किया जाएगा मिक्स किया जाएगा ये इसके लिए बताएगा ए के लिए कौन है ये एक्स पार्ट किसका बताएगा ए का और वाई किसका बताएगा बी का एज पर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन हमने फ्रेम किया यहाँ पर जैसे कि चालीस रुपये पर केजी के के चालीस रुपये पर के जी सॉ रुपया है ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया चालीस रुपये पर के का हम यूज कर रहे हैं सिक्सटी फाइव रुपीज पर के के साथ हम मिला रहे हैं ठीक है मिलाने के बाद इसका रेट क्या हो जाए पचास रुपए पर के हो जाए तो ये तीनों कॉस्ट प्राइस है ठीक है अब क्या करेंगे सिंपल जैसा भी स्ट्रक्चर सेट कर रहे थे ए बी सी ए के जगह यहाँ पर हो गया ये बी के प्लेस पर कौन हो गया ये और सी के प्लेस पर कौन हो गया ये तीनों हो गए इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो क्या हो गया टेन इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितने हो गए आपके फिफ्टीन इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर वाई के रूप में जो हम पिछले अभी बता रहे थे एक सर्वाई के रूप में हो गया यहां पर थ्री टू क्या हो गया टू थ्री पार्ट किसका बता रहा है तीन पार्ट इसका होना चाहिए और दो पार्ट क्या होना चाहिए इसका होना चाहिए और दो किसका होगा और यानी कि कहता है वन क्विंटल का पैकेट बनाना है तो फोर्टी रुपीज फोर्टी रुपीज एंड सिक्स रुपीज वाले का कितना होना चाहिए तो ये रेशियो निकल गया थ्री टू टू थ्री प्लस टू करते हैं तो

इसमें नोट करने की बात हमने कहा था दो बात को हमेशा दिमाग में रखना है यही बेस है की है है ठीक वो क्या है जैसे कि ए है बी है एंड सी है तो पहली बात की हमने कहा था कि नोट करने के लिए फर्स्ट बात कहा था आपका कि सी का वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होगा इन दोनों का क्या होगा बीच में होगा अगर सी का वैल्यू ए से ज्यादा है तो उसे बी से क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा या नहीं तो ए का वैल्यू यदि कम है सी सी का वैल्यू यदि ए से कम है तो बी से उसको क्या होना पड़ेगा ज्यादा होना पड़ेगा इस बात को हमेशा ध्यान रखना दूसरी बात और क्या है दूसरी बात और ध्यान देने की यह है कि दूसरी बात यह का क्या होना, सेम होना, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए यूनिट का मतलब क्या हो गया यदि ए का कॉस्ट प्राइस है बी का कॉस्ट प्राइस है तो ये जो होगा ये भी मिलाने के बाद सी बनेगा इसका भी कॉस्ट प्राइस ही क्वेश्चन में होने चाहिए कभी कभी होता है क्या है सेलिंग प्राइस देता है सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है अगर ये परसेंटेज में है मान लो कभी कभी देता है कि ये परसेंटेज वैल्यू है इसका परसेंटेज वैल्यू है और ये भी तो यहाँ भी तीसरा ही वैल्यू क्या होना चाहिए परसेंटेज में होना चाहिए यदि नंबर नंबर है कभी ये ये कह दे इसका नंबर के बारे में वगैरह इसका नंबर के बारे में कह रहा है इसका नंबर के बारे में कह रहा है तो तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए नंबर नंबर होना चाहिए इस बात का ध्यान ये दो बातें हमने कहा था ध्यान देने के लिए इस पर एग्जाम्पल करके हमने यहाँ बताया एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको जैसे कि मान लो फोर्टी रुपीज पर के जी का कितने रुपीज पर के जी के साथ मिलाया जाए मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए पचास रुपए पर के जी हो जाए और मिलाने का रेशियो क्या हो जाए आपका थ्री टू क्या हो हो, ये बात है. तो उस प्रकार हम देखते हैं तो ये देखते हैं तो फोर्टी का डिफरेंस क्या हो रहा है? 40 50 का थ्री इज इक्ल टू क्या होगा थ्री इन टू फाइव कितने हो जाएंगे 15. तो यहाँ फिफ्टीन है तो यहाँ ये देखना है फिफ्टी है जब फिफ्टी सी के प्लेस पर है तो फिफ्टी ए से क्या है बड़ा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सॉरी फिफ्टी ए से बड़ा है तो फिफ्टी से या ये देखो फोर्टी देख लीजिए फोर्टी क्या है छोटा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए एक छोटा एक छोटा है ए छोटा है तो बी को क्या होना पड़ेगा बड़ा होना बी को क्या होना पड़ेगा बड़ा होना पड़ेगा ठीक है बड़ा रखना पड़ेगा तो 15 और 50 दोनों का यूज करके बड़ा लाना है तो बड़ा लाने के लिए क्या है? करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस करते हैं 50 प्लस सिक्सटी प्लस 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 फाइव हो गया आपका 65 हो गया तो यहाँ पर ये पता चल गया कि सिक्सटी फाइव रुपीज पर के जी वाले को हम लोग यूज करेंगे क्लियर है अब देखिये ना फिर अगर दूसरा क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग क्रिएट करते हैं देखिए ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते मान लो कहता है कितने रुपए पर के जी का सिक्सटी फाइव रुपीज़ पर के जी के साथ मिलाया जाए मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए पचास रुपये पर के जी मिलाने का रेशियो क्या हो थ्री इज टू क्या कहता है टू अब क्या यहाँ इधर वाला अब ए पार्ट हमको नहीं पता है बी पार्ट पता चल गया डाटा सेम का यूज़ करें सिक्सटी एंड फिफ्टी का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो रहा है फिफ्टीन हो रहे हैं लेकिन ये रेशियो थ्री था थ्री इज इक्ल टू फिफ्टीन है तो वन इज इक्ल टू कितने हो जाएंगे वन इज इक्ल टू फाइव तो टू इन फाइव कितने हो जाएंगे टेन तो यहाँ पर क्या होना चाहिए टेन रखेंगे तो ये ये बड़ा है इस बार क्या है बड़ा कौन है ये है तो वहाँ वाले क्या होंगे छोटा होगा राइट छोटा होगा तो टे फिफ्टी और टेन का डिफरेंस करेंगे तभी छोटा निकल जाएगा तो ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोल्टी तो फोर्टी रुपीज़ पर के जी वाले को मिलाने पड़ेंगे बात तो समझ गए होंगे फिर और भी बात हम करते हैं जैसे कि एज़ पर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं जैसे देखिए कहता है कि मान लो कि फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड किलोग्राम का पैकेट बनाना है फाइव हंड्रेड किलोग्राम का क्या करना है एक पैक बनाना है ठीक है पैकेट बनाना है ठीक है जिसमें की कहता है फोर्टी रुपीज वाले टी हों और सिक्सटी फाइव रुपीज वाले टी को दोनों को मिला के हमको फिफ्टी रुपीज वाले बनाने हैं तो बताइए कितने हम फोर्टी की जो किलोग्राम को रखेंगे कितने सिक्सटी फाइव किलोग्राम वाले को मिक्स करेंगे इन पाँच से फाइव हंड्रेड किलोग्राम में तो इसका डिफरेंस करते हैं फोर्टी एंड फिफ्टी का डिफरेंस करते हैं तो टेन हो गया सिक्सटी फाइव एंड फिफ्टी का डिफरेंस करते हैं तो कितने हो गए आपके फिफ्टीन हो गया दोनों का रेशियो क्या हो गया थ्री इंटू टू हो गया दोनों में फाइव कॉमन है और थ्री प्लस टू मिला दिया जाए तो थ्री प्लस टू मिलने के बाद फाइव हो रहे हैं लेकिन एक्चुअली है ये तो 500 का है ना 500 किलोग्राम का है तो 5 इज इक्वल टू फाइव किलोग्राम तो 1 इज इक्वल टू कितने होंगे 100 किलोग्राम 1 इज इक्वल टू हंड्रेड किलोग्राम हो गए तो यहाँ पर ये 40 चालीस रुपये वाले कितने किलोग्राम मिलाएंगे 100 हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड इंटू कितने हो जाएंगे थ्री थ्री किलोग्राम और ये क्या होगा टू इंटू कितने हो जाएंगे टू किलोग्राम क्या सबको ये बात समझ में आ रहे हैं सभी लोग का क्लियर है कल ही बताए थे कल एबसेंट कौन कौन थे नाम के साथ बताइएगा कल क्लास में कौन नहीं थे सतीश कुमार सर सतीश कुमार चलिए बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ रहा है सतीश सर जस्ट ज्वाइन किए हैं अच्छा कोई बात नहीं फिर देख लेना वीडियो ठीक है ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं अब देखिए ना एक कुछ एग्जांपल और भी हम चर्चा किए थे जैसे कि इस प्रकार का एग्जांपल होगा जैसे फोर्टी रुपीज़ वाले के हंड्रेड मान लीजिए फोर्टी रुपीज़ वाले का हम नाइन्टी केजी के जी फोर्टी रुपीज वाले कॉस्ट प्राइस को मिक्स करते हैं 65 फाइव रुपीज पर के जी वाले के साथ तो मिक्स करके मिलाना के मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए पचास रुपए पर के जी हो जाए तो इसका किलो सिक्स रुपीज वाले का कितना किलोग्राम हम मिक्स करेंगे ये पूछा जा रहा है तो कंसेप्ट वही है यहाँ इन दो 40 50 का डिफरेंस करते हैं टेन और इन दोनों का डिफरेंस कितने हो है, रहे हैं फिफ्टीन तो इस दोनों का रेस्टो निकालते हैं तो थ्री टू क्या हो जा रहा है टू हो जा रहा है थ्री इज इक्वल टू नाइनटी के जी है तो वन इज इक्वल टू क्या होगा तो वन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे किलो हो गए तो यहाँ का रेसियो क्या है टू है तो टू इन थर्टी कितने हो जाएंगे सिक्सटी के जी तो ये क्या होना चाहिए तो सिक्सटी फाइव रुपीज का कितना के जी मिलाना पड़ेगा सिक्सटी किलोग्राम बात समझ में आ रहे होंगे डाटा थोड़ा बहुत डिफर कर गया है लास्ट से लेकिन पैटर्न वही है इस बात को समझ गए होंगे क्या लगभग इसी प्रकार की बात लास्ट क्लास में हमने बताया था अभी हम लोग देख रहे हैं अब हम लोग क्वेश्चन राउंड में क्वेश्चन भी जो हमने बताया था लास्ट क्लास में उसको भी रिवाइज कर रहे हैं चार क्वेश्चन हमने बताया था उसको हम ऑटो रिवाइज करते रहे हैं देखिए ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर कह रहा है इन वॉट प्रोपोसन मस्ट ग्रॉस शुगर एट इसको सॉल्व कर रहे हैं जैसा कि लास्ट क्लास में आपने सॉल्व भी किया था हमने बताया भी था सोलह रुपये साठ पैसे है, ठीक है मिक्स कर मिक्स कर. करने के बाद रेट क्या हो जाना चाहिए सिक्सटीन रुपीज फिफ्टी फोर पैसे तो इनका डिफरेंस करते हैं तो इनका फोर्टी फाइव ये फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी फोर का डिफरेंस कर लो, का 16 तो कॉमन है दोनों का डिफरेंस नाइन हो गया 54 का डिफरेंस करते हैं तो सिक्स हो गया दोनों का रेस्टो निकालते हैं तो दसम लोग इग्नोर कर दे हैं। एक होना चाहिए जीरो एक जीरो जीरो टू हो गया अब ये आंसर हो गया आपका आंसर कितने हो गया थ्री इज टू टू इज द राइट आंसर ये क्या हो गया आपका राइट आंसर किस करना है तो ये इस रेस्ट मिक्स करना है बात तो समझ में आ ही रहे हैं क्या सती समझ में आया अब देखो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं इफ uh, मिक्स पैसे पर के जी तो इसको सॉल्व करते हैं तो सेवेंटी टू पैसे दिया हुआ है ठीक है पर के जी विथ शुगर फोर्टी एट पैसे ये भी फोर्टी एट पैसे ही दिया हुआ है सो दैट बाई सेलिंग यहाँ पर सेलिंग दे दिया है ये सब कॉस्ट प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है लेकिन यहाँ पर ये कहता है सेलिंग करने के बाद यानी कि सेलिंग प्राइस को बतला रहा है बाई सेलिंग सिक्सटी थ्री पैसे तो सेलिंग प्राइस कितना है सिक्सटी थ्री पैसे किलोग्राम है वन ही मे गेन वन बाई सिक्स ऑफ इज आउटलेट आउटलेट का मतलब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस पर जो लागत लगा उस पर वन बाई सिक्स तो ऐसे कंडीशन में कॉस्ट को हम वन मान लेते हैं क्योंकि वन बाई कर है. तो प्रॉफिट कितने हो रहे हैं इस वन का वन बाई सिक्स हो रहा है तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे वन बाई सिक्स तो क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ऐड किए तो सेवन बाई सिक्स हो जा रहा है सेवन बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री पैसे दिया हुआ है तो इसको देखते हैं वन इज इक्वल टू क्या है वन इज इक्वल टू कितने हो गए फिफ्टी पैसे हो गए तो ये वन क्या निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया तो इस कॉस्ट प्राइस को हम क्या ला रख देंगे यहाँ ला रख देंगे तो फिफ्टी पैसे हो गए क्लियर है इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो सिक्स हो गया इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो एटीन हो रहा है तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वन टू क्या हो गया थ्री क्या यही आया था लास्ट क्लास में सबका वन टू थ्री आया था ना यस सर यस सर बाकी समझ में आ ही गए हैं किसी को डाउट नहीं है अभी तक का फिर से कोई रिवाइज करना हो आगे बढ़ते हैं ठीक okay. है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमने कहा था थ्री थ्री को भी लास्ट क्लास में बताया था uh, देखिए ना करता है ब्लैक टी ब्लैक टी यहाँ पर क्या कर रहा है ब्लैक टी है ब्लैक टी का रेट कितना है पाँच दस फाइव डेसिमल टू फाइव तो फाइव डेसिमल टू फाइव भी हम रख सकते हैं और इसका क्या है आपका ब्लैक टी और दूसरा क्या है ग्रीन टी की है, तो भी रख सकते हैं हम और देखिए, ही गेन वन बाई सिक्स अब ये वन बाई सिक्स प्रॉफिट हो रहा है सेम क्वेश्चन है कॉस्ट वन होते तो प्रॉफिट वन बाई सिक्स हो रहे हैं तो ये तो सेलिंग कितने हो जाएंगे सेवन बाय सिक्स

यही यही आंसर आंसर आया आया था, यही राइट था, ही आया था, राइट बिल्कुल सही है, समझ में आ होंगे? फिर देखिए क्वेश्चन या फोर रुपीज ट्वेंटी रुपया में रहने देते हैं मिक्स करना है कितना टू रुपीज सिक्सटी के जी

4 rupees 50 paise with another of 4 rupees ठीक है यहां दशमलव नहीं है अगर दशमलव में रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं ठीक है रुपया में ही रहने दिया लास्ट लास्ट ने पैसे में कन्वर्ट कर दे पैसे में कन्वर्ट करना मेरा ज्यादा आसान है ठीक है कोई बात नहीं फिर भी रुपया भी रख सकते हैं कभी कभी ऑर्डर टू तो बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ फाइव रुपीज ट्वेंटी पैसे ही गेन ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ठीक है परसेंट यहाँ छुटा हुआ है परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट को हम हंड्रेड मान लेते हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ट्वेंटी हंड्रेड प्लस ट्वेंटी मिलकर कितने हो रहे हैं वन ये सेलिंग है ये तो मानवी बात है बट एग्जैक्ट वैल्यू कितना कर है सेलिंग प्राइस कितना है फाइव रुपीज ट्वेंटी पैसा तो दिस इज इक्वल टू फाइव रुपीज ट्वेंटी पैसे तो कॉस्ट प्राइस तो निकालना है तो हंड्रेड इज इक्वल टू क्या होगा तो बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई वन ट्वेंटी और इनटू क्या हो जाएंगे हंड्रेड हो जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव टाइम्स और ट्वेंटी क्या हो गया सिक्स टाइम्स ठीक है अगर यहाँ पर क्या हो रहा है टू से डिवाइड थ्री से थ्री हो रहा है क्या अगर थ्री से डिवाइड करेंगे आपका थ्री टू से डिवाइड कर दो तो ये कितने हो जाएंगे टू से टू डेसिमल सिक्स जीरो

तो इसको अगर रखते हैं तो अगर दशमलव में रखते अदरवाइज हाँ ठीक है ना अगर इसको रुपया में ही रख करते हैं तो ये इस भाई ऐसे ये इस करोगे डिफरेंस लेकिन रुपया में रखने के थर्टीन... सर, सर, ये नहीं, सिर्फ थर्टीन आएगा। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल थर्टीन बाई क्या थ्री आ जाएगा होंगे आते हैं, हम देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग तो ये करेंगे 2.6 पॉइंट सिक्स टू क्या कर रहे हैं थ्री तो ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा है ये कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है थर्टीन थर्टीन डिशमल जीरो आ जा रहा है बाई क्या हो जा रहा है थ्री ठीक है तो इस कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ ले रहा है यहाँ ला रहे हैं ठीक है थीके? बात बाई थ्री करेंगे इनका डिफरेंस यहाँ करेंगे तो थ्री इंटू फोर पॉइंट फाइव कितने हो जाएंगे थर्टीन पॉइंट फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव माइनस थर्टीन करेंगे तो पॉइंट फाइव बाई थ्री हो जाएंगे क्या पॉइंट फाइव 3 यहाँ करेंगे तो ट्वेल्व एंड वन बाई क्या हो रहा है थ्री हो रहा है तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया लेकिन ये दशमलव है तो एक जीरो नहा यहाँ आएगा तो ये टेन को क्या करेंगे वहाँ क्रॉस करके ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे टू इज टू ये क्या हो जाएगा टू इज टू वन हो जाएगा क्या टू इज टू वन इसका आंसर आया था

है तो 100 इज इक्वल टू क्या थे तो 520 बाय 120 इनटू 100 कर दिए तो ये क्या हो गया 25 टाइम 26 टाइम्स और 23 260 इनटू किए तो ये 1300 1300 बाय 3 पैसे आ गए दोनों बातें की है लेकिन थोड़ा तो आदत इस प्रकार करने थोड़ा तो कम टाइम लग रहा है तो ये 1350 50 बाय 3 तो 50 बाय 3 कैंसिल हो जाए और यहां 12 100 बाय क्या हो गया? 3 हो बस ये दोनों का एस्टर निकल गया तो ये क्या हो गया टू इंस टू वन हो गया बस यही आंसर हो गया तो इसका राइट आंसर क्या हो गया टू इंस टू वन ओके दोनों बात एक ही है लेकिन इसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम बच सकते हैं राइट ना क्लियर है क्वेश्चन नंबर फाइव मैं आपको देता हूं फाइव बनाने के लिए क्या आप बनाएंगे ट्राई करोगे सभी रेडी है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फाइव अभी आ रहा है ध्यान देना यस बिल्कुल आराम से बनाएगी कोई जल्दी बाजी नहीं फिर दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो फिर आप फास्ट बना लीजिएगा रिवीजन तो करना जरूरी है ए स्टूडेंट 40 केजी, 40 केजी। आवाज अमन का है, क्या? सर सर 40 केजी और एक का 60 केजी आ रहा है हाँ तो एक तो 60 केजी दिया हुआ वाला है, क्या? जी सर। आंसर इसका एक ही का पूछ रहा है तो वो 40 केजी, क्या? जी सर। इसका पूछ रहा है 40, जी। क्या समझा और बताइए गर्ल्स साइड में, सभी स्टूडेंट बोलना, 40 के� जी। 40 किग्री सर 40 okay, किग्री सर ओके okay, okay, बहुत अच्छी बात है <laughs> अब जाके आंदेल जो नहीं समझ पाए हो बिल्कुल स्क्रीन पर दे, देखिएगा आपका कहता है व्हाट वेट ऑफ वेट ऑफ 420 पैसे 420 भी लिख सकते हैं पहले से पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं और पैसा में कन्वर्ट करने में समय कम लगेंगे ठीक है बाद में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं ऑलरेडी पहले से पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे uh, इसका कितना किलोग्राम ये पूछ रहा है विद ठीक है पैसे पैसा और मिक्सर इज सोल्ड एट थ्री थर्टी पर के जी अब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ मे नाइदर गेन नॉर लॉस यहाँ पर ये कह दिया तो यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों क्या है बराबर है कॉस्ट प्राइस प्राइस और सेलिंग दोनों बराबर ना तो तो प्रॉफिट लॉस यानी कि ये, तो ये, ये कॉस्ट तो प्राइस तो का रेस्ट निकल गया कितने हो गया टू इज टू थ्री हो गया अब टू इज टू इजिकल टू क्या होंगे यहाँ तो थ्री इजिकल टू दिया हुआ सिक्सटी के जी है टू इज टू क्या होगा एंड uh, किलोग्राम हो तो हो कि चार 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 मिक्स करना चाहिए फोर्टी ऐसा करने से टोटल कितना किलो का बन गया हंड्रेड के जी का हंड्रेड के जीवल टू वन क्विंटल राइट लेकिन आंसर क्या होगा ऑप्शन में फोर्टी होंगे जिसमें वही आपका राइट आंसर होगा बहुत अच्छी बात है सबको समझ में आ गया जो नहीं बना पाए थे आगे बढ़ते हैं ओके okay, हम लोग एलिगेशन के पार्ट टू में है, आज पार्ट वन का करवा थे। ठीक है, आप लोग सब एन के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पर आता आया है सिक्स बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए मिक्सर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क

हाँ बनाओ बनाओ ट्वेल्व ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है संजय पहले क्लास किए थे संजय इसका नहीं सर अच्छा ट्वेल्व लीटर मे बी और स्टूडेंट हाँ ट्राई और स्टूडेंट ट्राई कीजिए देखते हैं ट्वेल्व लीटर आ रहा है या नहीं आ रहा या नहीं भी बनेगा वरी नहीं करे लेकिन दिमाग लगाए कैसे क्या क्वेश्चन को समझिए जो नहीं बना पा रहे हैं क्वेश्चन को दो बार पढ़िए तीन बार पढ़िए धीरे धीरे पढ़िए क्या क्या आपको ये समझ में ना? आप समझना चाहिए पहले क्वेश्चन समझना उसके बाद अपने आप बन जाएंगे उसी मेथड पर जिस मेथड बदला है आपको और किन्हीं का आंसर इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं लेकिन हमको शॉर्ट मैथर्ड बना दस सेकंड पंद्रह सेकंड में कैसे बनेंगे एग्जामिनेशन हॉल में लेकिन पहले अभी सीखते हैं हम लोग बता दे अब सर थोड़ा सा टाइम बहुत अच्छा फोर लीटर फोर लीटर कितना टेन ट्वेल्व हाँ ट्वेल्व लिखा ट्वेल्व फोर के अलावा किन्नी का आंसर आ रहा हो वेल well. कोई बात नहीं अब मैं बतला रेडी है सभी लोग स्क्रीन पर देखिएगा जरा ओके बोर्ड पर देखेंगे मिक्सर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का कुछ क्वांटिटी कह रहा है क्या मिक्स करना है किसके साथ विथ सिक्सटीन लीटर क्या वाटर थ्री रुपीज पर लीटर मिलाने के बाद रेट कितना हो जा रहा है कितना हो रहा है तीन रुपया बिल्कुल सही ये पार्ट तो यही कह रहा है ना कुछ मिल्क को कुछ मिल्क में प्योर मिल्क में सोलह लीटर पानी मिला दे रहा तो मिलाने पानी मिलाने के बाद रेट तीन रुपया हो जा रहा प्योर मिल्क Worth पानी मिला देते हैं, तो रेट कितना हो जा रहा है तीन रुपया हाउ मच मिल्क इज देअर इन द मिक्सचर इस मिक्सचर में कितने ग्राम मिल्क है कितने लीटर मिल्क है ये पूछना है क्वेश्चन समझ गए ना ठीक है अब हम ऐसे ही संवाद करते हैं आपके साथ जैसे कि देखते हो कि अक्सरहा घर में अगर मिल्क मैन ग्वाला दूध लेकर आता है आपके घर में है तो दो चार दिन में आपको थोड़ा सा भी शक लगता है कि लगता है दूध का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उसको आप बार बार बोलते हो कि देखो भाई प्योर मिल्क ला रहे पानी मिला के ला रहे हो तो तो कहता है तो आपको ऑनेस्टली वो मिल्क मैन आपको बता रहा है सर आपको हम सही बात बता रहे हैं जो भी पर मेरे पास मिल्क रहता है सात लीटर मेरे पास मिल्क होता है एकदम प्योर मिल्क जब निकालते हैं तो उसमें सात लीटर रहता है और सोलह लीटर इसमें पानी मिला देते हैं अब पानी मिला के लाते हैं आपके पास तो तीन रुपये दे रहे हैं आप तीन रुपया रेट देते हो तो भाई सौ लीटर पानी मिला देते हैं अगर आप कहोगे एक अभी एक भी पानी नहीं चाहिए तो आपको हम सात रुपये लीटर देंगे मंजूर है तो बोलिए ठीक है तो आप जानना चाहते हो सात लीटर नहीं है सात रुपये लीटर पड़ता है सात रुपया रेट है मेरा प्योर मिल्क का अगर हम सौ लीटर पानी मिलाते हैं तो वो रेट तीन रुपये हो जाते हैं तो प्योर मिल्क इस मिक्सचर में सौ लीटर पानी के साथ प्योर मिल्क आखिर कितना है ये जानना है क्वेश्चन समझ गए क्या स्टूडेंट yes, हाँ yes, अब, yes, अब देखो एंसर बनाने में दो सेकेंड भी नहीं है पांच सेकेंड मैक्सिमम बिल्कुल आराम से बनाएंगे तो लाएंगे अब आप ये बताओ कि मिल्कमैन जो वाटर मिलाता है वो किस रेट का वाटर रहता है जीरो बिल्कुल सही बस यही आंसर हो गया आपका वाटर का रेट उसके लिए क्या है जीरो रुपया पर लीटर प्योर मिल्क का रेट है सात रुपया वाटर का कोई रेट नहीं लगा और मिलाने के बाद वाटर मिलाने के बाद रेट कितना हो गया तीन रुपया हो गया बस बन गया इन दोनों का डिफरेंस क्या कर दो थ्री हो गया जीरो एंड थ्री का डिफरेंस क्या होगा थ्री और सेवन एंड थ्री का डिफरेंस क्या हो जाएगा फोर बस फोर इज इक्वल टू पता है कितना है सोलह लीटर तो इज इक्वल टू सोलह लीटर है तो वन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे फोर वन इज इक्वल टू फोर तो थ्री इज इक्वल टू क्या होगा थ्री इन फोर कितने ट्वेल्व लीटर बस आंसर हो गया फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन है तो वन इज इक्वल टू कितना हो गया फोर थ्री इंटू फोर कितने हो जाएंगे थ्री जी कल टू क्या होगा थ्री इंटू फोर कितने हो जाएगा ट्वेल्व लिटर ओके okay, क्या कैसा लगा समझ में आया बताओ yes, फिर से एक बार yes, एक बार फिर से समझाना है ओके ओके। आराधना समझ में आ गया सर। एवरीवन। सतीश सर yes, yes, बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर आ रहा है अमन अमन आपका आया था फोर लीटर समझ में आ गया यस यस सर सर बहुत अच्छी बात है डन चलिए रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन आपके स्क्रीन पर आया है वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स ऑफ सुगर सोल्यूशन इनविच है इनविच क्या कह रहा है ट्वेंटी परसेंट सुगर इन इट सुगर शुगर सर स्क्रीन सर सर स्क्रीन हट जा रहा है स्क्रीन अभी हट गया अभी आया हट आता है फिर हट जाता है वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या नहीं सर सबको बोलिए म्यूट करने के लिए म्यूट कर लीजिए आप क्या सर हट जाता है स्क्रीन तो म्यूट, म्यूट कर लो और डबल क्लिक कर लेना ठीक है जब पूछे तभी जब बात कर रहा हूं अभी स्क्रीन हट गया होगा अभी तो आ रहा होगा सिर्फ मेरा चेहरा ठीक है अब स्क्रीन लाते है सेवन पॉइंट फाइव ग्राम सर। ग्राम। अमन ने बताया कि सेवन पॉइंट फाइव ग्राम सर इसका आंसर होना चाहिए भी एनीवन मिश्रा संजय बतलाये थे पिछले क्वेश्चन का आंसर बतलाये थे इसका ही बतला दो उसी पैटर्न पर है सर इसका रेशियो 1.5 है तो फिर कैसे बनेगा यही बात है ना चलिए देखते हैं आपका आंसर अभी स्क्रीन आ रहा है जिनको प्रॉब्लम हो रहे थे स्क्रीन चला जा रहा था क्लियर है म्यूट कर लेना फटाफट सर टेन ग्राम्स हाँ मे बी अब अमन सोच रहे होंगे कि इसका टेन ग्राम आया मेरा सेवन पॉइंट फाइव चेक कर लेते हैं क्या ये सर टेन ग्राम 10 ग्राम आ गया अमन आपका यस सर टेन ग्राम्स और भी टेन ग्राम आ गया बहुत अच्छी बात है स्वाति मानसवी।

कि मिलाने के बाद कॉन्सनट्रेट कितना हो जाए ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाए बस ये बात समझ गए ये ग्राम पूछ रहा है ठीक है कितना ग्राम यहां मिक्स करें चीनी और ऐड करें कि ट्वेंटी फाइव परसेंट मीठा हो जाए थोड़ा मीठा पांच परसेंट बढ़ जाए क्वेश्चन समझ में आ गया सबको स्ट्रक्चर हमने जब प्रेजेंट किया बोर्ड पर समझ में आ गया कि एक ग्राम के सोल्यूशन में चीनी कितना है बीस है अब कहता है कितना ग्राम चीनी इसमें और एड करो मीठा कम है चीनी एड करो इसमें तो कितना ग्राम मिलाए सर बस बस पच्चीस परसेंट मीठा हो जाए बीस परसेंट चीनी है पच्चीस परसेंट कर लो बस हमको बताओ कितना ग्राम मिलाओगे तो वो खुद पूछता है कि सर कितना ग्राम मिला हैं बताइए आप ही तो हमको बताना पड़ेगा कितना ग्राम मिलाओ तो कैलकुलेट करके बताएंगे क्या अब बताओ अब इसको हम एक बार ऐसे समझा रहे हैं ऐसे ही बात करते हैं क्लास में भी ऐसे ही समझाते हैं हम लोग ऑफलाइन भी देखिए ना यहाँ पर कह रहा है कि आप हम एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि मान लो कि आप चाय पीते हो या कोई लोग चाय नहीं पीता है मिल्क लेते होंगे शरबत लेते होंगे अगर हम चाय का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं चाय आप पीते हैं तो मान लो कि चाय में कम मीठा लगा तो क्या कहते हो शुगर ऐड करो अगर वो एक स्पून में थोड़ा सा चाय पत्ती का काला 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 चाय पत्ती आ जाता है तो क्या उसको ऐड करवाते होगा ना रुको रुको इसमें चाय लगता है काला काला क्या हटाओ लाओ दूसरा चीनी लाओ तो सिर्फ और सिर्फ चीनी मिलाना चाहते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं ठीक है चाय पत्ती चाय जो बनाए उसमें तो चीनी भी है बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं लेकिन आप जब चीनी मिठास लाना हो सिर्फ तो उसमें सिर्फ चीनी मिलवाते हो तो चीनी कितना सिर्फ 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 और सिर्फ चीनी ही है तो चीनी कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट है परसेंटेज में क्यों हम देख रहे हैं क्योंकि यहां ये भी परसेंट है ये भी परसेंट है तो ये भी क्या होना चाहिए परसेंट में होने चाहिए तो सिर्फ चीनी ही चीनी मिला रहे हैं तो कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट है चीनी एड कर रहे हैं जो बोलो नथिंग ओनली सुगर है तो हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेट हुआ ना क्या कहते हो जी सर। कोई बोल नहीं रहा था बोला क्या हुआ हाँ हंड्रेड परसेंट हो गया नहीं समझ में आया मेरी बात को सुनो अगर तुम चाय पीती हो ठीक है जो चाय तुमको मिला है ट्वेंटी परसेंट चीनी है उसमें ठीक है अब और मीठा करना चाहती हो 25 फाइव परसेंट मीठा चाहती हो तो उसमें चीनी ऐड करोगी और सिर्फ चीनी ऐड करोगी चीनी के साथ साथ तो और कुछ नहीं ना रहेगा पानी उसमें नहीं ऐड एड करोगी ठीक है तो सिर्फ चीनी ऐड कर करते तो चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हंड्रेड है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया यहां पर हमने लिखा आपको यहां पर जो भी ऐड करना है सिर्फ चीनी ऐड कर रहे हैं तो वहां पर चीनी कितना ऐड कर रहे हैं 100 परसेंट ऐड कर रहे हैं तो यहां पर इसीलिए हमने क्या लिखा लेकिन चाहते हो नहीं पच्चीस तो सिर्फ चीनी इसमें ऐड करेंगे तो परसेंटेज कितना सिर्फ चीनी है तो वो परसेंटेज कितना कहलाएगा हंड्रेड परसेंट चीनी मिला रहे हैं और कुछ नहीं है उसमें तो कुछ नहीं है सिर्फ चीनी है तो वो कितना परसेंट होगा हंड्रेड परसेंट है जो बोले नहीं समझ में आ, समझ में आ गया अब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो इस दोनों डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो जा तो रहा तो है फिफ्टीन इज टू क्या हो जा रहा है वन हो रहा है बात समझ गए फिफ्टीन इज टू वन हो रहा है तो फिफ्टीन इज इक्वल टू कितना एक सौ पचास ग्राम तो वन इज इक्वल टू कितना फिफ्टीन इज इक्वल टू वन फिफ्टी ग्राम है तो वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन ग्राम और यहाँ पर वन ही है तो वन इंटू टेन कितने हो जाएंगे वन इंटू टेन कितने हो जाएंगे टेन तो ऐड करना है इसमें चीनी केवल टेन ग्राम चीनी ऐड करने से काम चल जाएंगे तो वही आपका आंसर हुआ कितना टेन ग्राम टेन ग्राम राइट आंसर हो होगा एक बार फिर से बतला दे क्या यस yes, सर एक sir. बार फिर से बतलाता हूँ जरा ध्यान दो ठीक है चलिए तो मैं इसको यहाँ से हटा दिया ओके सभी स्टूडेंट फिर से बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आपको हम यहाँ पर कह रहा है कि 150 ग्राम चीनी और पानी का घोल है जिसमें कि चीनी कितना है 20 परसेंट है कहता है इसमें कि, कितना चीनी ऐड करो सिर्फ चीनी ऐड कर रहे हैं कि ऐड करने के बाद चीनी कितना हो जाए 25 परसेंट हो जाए

ठीक है इसके पहले क्वेश्चन में क्या किया था रुपया 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 हमने क्या किया था इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये रुपया यहाँ लिखा था ये भी रुपया में आया था तो ये भी क्या होना चाहिए रुपया होना चाहिए तो वाटर का रेट क्या है तो जीरो रुपीज पर केजी वो मिनरल वाटर थोड़ी मिलाता है मिल्क मैन तो जीरो रुपया पर रेट का पानी मिलाया तो सेवन रुपीज प्योर मिल्क कितना था सेवन रुपीज और पानी मिलाया जीरो रुपया वाला पानी मिलाया और मिलाने के बाद इसका रेट कितना हो गया तीन रुपया इन दोनों का डिफरेंस यहाँ इन दोनों का डिफरेंस यहाँ की बस हो गया तो 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 कितना कितना कितने है इस में 12 बात में बात समझ गए आगे बढ़े और तक कोई डाउट से रिवाइज करना हो कोई क्वेश्चन को तो बता दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर सेवन तक किसी को रिवाइज करना है no, sir, all clear. Next question. क्वेश्चन नंबर एट आपके लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं जा ध्यान से से हर नहीं कि, सभी क्वेश्चन कुछ कहता है डिफरेंट ठीक है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कहता है स्ट्रक्चर हम वही लेकर चलेंगे रास्ते वही रहेंगे लेकिन रास्ते पर अलग अलग गाड़ियां चलती है साइकिल भी चलते हैं बाइक भी चलते हैं मर्सरी भी चलता है ऑडी भी चलता है मारुति उमड़ी भी चलते हैं क्या उसी प्रकार क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन रोड मैप हम लोग एक ही रखेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर कुछ कहना चाह रहा है उसको सॉल्व करके बताइएगा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आप खुद पढ़ लीजिए अब बोलिएगा मत ठीक है आवाज नहीं निकालना है आपको म्यूट जैसा पढ़ना है सर स्क्रीन हट गया सर आप आप देखिए आपके पास से हटा होगा तो आप दो बार क्लिक कर लो और म्यूट कर लीजिए आप आ गया आ गया होगा आंसर आ गया सर स्क्रीन हट जा रहा है मेरा hmm. और बाकी का स्क्रीन है ना सर एट एट फोर्टी लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर टेन परसेंट ऑफ वाटर हाउ मच वाटर वाटर सर टेन होना चाहिए सर अच्छा ठीक है हाउ मच वाटर शुड मस्ट बी मस्ट बी एडेड टू तो मेक इट 28% बिल्कुल सही बात है क्या आंसर आया आप लोग का सर 10 आ, आ, आ रहा है 10 मे बी हो सकता है 10 दो तीन स्टूडेंट का आया है 10 लीटर है ना सर 8 1 लीटर सर 8 लीटर मे बी 6 लीटर और इसके अलावा 10 के अलावा और किन्हीं का चलिए बदलाए हम टेन लीटर एट लीटर ठीक है सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देंगे कहता है फोर्टी लीटर मिक्सचर मिक्स मिल्क एंड वाटर ओके कंटेंट टेन परसेंट वाटर मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन है चालीस लीटर का जिसमें कि वाटर कितना है टेन परसेंट बहुत अच्छी बात हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड अच्छा वाटर कितना ऐड किया जाए टू मेक ट्वेंटी एट परसेंट ओके ओके मिल्क एंड वाटर का सोल्यूशन का मिक्सर कितना है टेन परसेंट ऑफ वाटर हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट ट्वेंटी एट परसेंट वाटर ठीक है तो यहाँ पर फोर्टी लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर का है ठीक है मिल्क एंड वाटर का मिक्सर कितना है फोर्टी लीटर है ठीक है अब कहता है मिल्क कंटेंट टेन परसेंट वाटर जिसमें कि टेन परसेंट क्या है मिल्क का नहीं देखे सब वाटर ही कह रहा है टेन परसेंट वाटर है ठीक है कहता है कितना वाटर ऐड किया जाए सिर्फ वाटर ऐड करना है तो कितना हो जाएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है या मिल्क और मिल्क अलग नहीं है वाटर सारी बातें वाटर के बारे में कह रहा है एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फोर्टी लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर में टेन परसेंट वाटर है यानी कि सिर्फ वाटर की बात कर रहा है यहाँ की इसमें टेन परसेंट वाटर है अब कहता है कितना वाटर ऐड किया जाए ठीक है फोर्टी लीटर मिक्सचर है जिसमें वाटर के बारे में बता रहा है कितना है फोर्टी लीटर में वाटर टेन परसेंट है अब कितना लीटर वाटर मिक्स किया जाए सिर्फ वाटर ही मिक्स करना है तो हंड्रेड परसेंट वाटर मिक्स हो जाएगा मिक्स होने के बाद कितना हो जाए ट्वेंटी एट परसेंट हो जाए तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ करते हैं तो एटीन हो गए इनका डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो गए सेवेंटी हो गए इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो फोर क्या हो रहा है वन हो रहा है गॉट इट फोर इंस टू वन हो जा रहा है तो फोर इंस टू वन फोर इज इक्वल टू कितना है फोर इज इक्वल टू फोर्टी लीटर है 4 is equal to 40 liter, तो तो क्या क्या होगा 1 is equal to क्या हो जाएंगे लीटर तो तो हो हो तो हो क्लियर है एट लीटर वाले समझ गए होंगे बोलिए सर ये अच्छा हाँ, इसका रेशियो मतलब ये उल्टा तो हो सकता है ना सर <laughs> हाँ वाटर टू तो मिल्क पूछ सकता है अगर ये मिल्क टू तो वाटर पूछता अगर मिल्क टू वाटर पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा फोर्टी लीटर एंड टेन लीटर फोर टू वन हो जाएंगे अगर वाटर टू मिल्क दिया रहेगा तो ये क्या होगा वन इंस टू फोर हो जाएगा यही प्रश्न कर रहे थे ना हाँ ठीक है जैसा रहस्य पूछेगा तो ये हो जाएंगे आगे बढ़े समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है नाइन बढ़े क्या बोले Yes, question, yes. हाँ, 80, बिल्कुल सेम है, के जैसा एलआई है, है लेकिन इसमें गोल्ड के बारे में बता रहा है गोल्ड कितना है उस एलवाई में एटी परसेंट है बाई वेट फाइन द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज टू बी मिक्सड अप विथ दिस एलवाय सो दैट इट मे कंटेंट नाइन परसेंट अब कहता है कितना सिर्फ इसमें सिर्फ गोल्ड मिलाओ गोल्ड मिलाओ जिससे कि नया जो एलवाई बने इसमें गोल्ड कितना हो जाए नाइन्टी फाइव परसेंट हो जाए बिल्कुल सेम क्वेश्चन था यहाँ भी, भी गोल्ड की बात कर रहा है सिर्फ और दूसरे अलवाई में मिक्सर है उसकी बात नहीं कर रहा है सिल्वर की बात नहीं कर रहा है तीनों गोल्ड 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 को रखेंगे परसेंटेज में है तो तीनों परसेंटेज को रख के देखेंगे ठीक है ट्राई कर रहे होंगे बन जाने चाहिए थे कितने होंगे बतलाओगे जरा 150, 150 grems. 150 grems, sir. 150 150 well well done, well done, achha, excellent, <laughs> सबका आ गया होगा क्वेश्चन आधारित वर्ड चेंज हो गया था सेंटेंस चेंज हो गए थे लेकिन उसी पैटर्न पर था। कहता है 50 ग्राम ऑफ एलोयस ये 50 ग्राम एलोय है ठीक है जिसमें कि गोल्ड कितने हैं गोल्ड एटी परसेंट है।, है कितने ग्राम मिलाए क्या मिलाए गोल्ड मिलाए तो मिलाने के बाद जो नया एलो बनेगा उसमें गोल्ड कितना हो नाइन परसेंट तीनों गोल्ड ही है ठीक है अब कितना सिर्फ गोल्ड मिलाने की बात कर रहा है तो वो कितना परसेंट होगा हंड्रेड गोल्ड मिला रहे हो भाई ठीक है अब ये दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ये कितने हो गए फिफ्टीन इसका डिफरेंस करते हैं तो ये क्या हो गए फाइव ये कितने हो गए वन इज टू One is two, क्या हो गया थ्री इज इकल टू क्या हो गया थ्री इंट फिफ्टी थ्री इंटू फिफ्टी कितने वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम तो कितने अलॉय मिलाने पड़ेंगे इसमें गोल्ड कितना मिलाना पड़ेगा हमको गोल्ड एक सौ पचास ग्राम मिलाएंगे तब जाके इस नया अलॉय बनेगा उसमें गोल्ड में कितना हो जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट तो वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम इज द राइट आंसर बताया बना के बताया बिल्कुल सही बात है मेरा भी आंसर यही आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है ऑप्शन में अलग-अलग रिपीट अलग करना है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ओके हम लोग एलिगेशन पार्ट टू में हैं आज पार्ट वन को रिवाइज करने के बाद और आप सब है एन के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ठीक है आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो मेरे स्टूडेंट बताओगे बिल्कुल क्लियर है ऑफलाइन जैसा क्लास फिल हो रहा है आप लोग को यस सर बहुत अच्छी बात है यस सर बहुत अच्छी बात है चलिए हम लोग फिर आगे आ जाते हैं क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन दिखाई दे रहा है अब क्वेश्चन नंबर टेन दिखाई दे रहा है आप लोग को yes, 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 हाँ संजय का नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा म्यूट करके अब थोड़ा सा उसको स्क्रीन टच कर लो ओके okay? ट्राई कीजिएगा आवाज से भी तुम लोग का पकड़ ले रहे हैं किसका आवाज जनरली क्या है क्या सही नाम बोलते हैं ना आवाज पकड़ के तुम लोग का यस yes, सर बहुत अच्छी बात अब मिलने की इच्छा हो रही है तुम लोग ऑफलाइन से बहुत लोग का नाम भूल भी गए होंगे हम याद नहीं है अब ये देखो ये रोड वही है सबसे रखेगा सर हाँ क्या बोला सर एक सबसे स्टार्ट होगा ऑफलाइन देखिए ना हम बिना गवर्नमेंट को ऑर्डर से नहीं स्टार्ट करेंगे बाबू ठीक है गवर्नमेंट जिस दिन अनाउंस कर देगा उसके एक आध दिन में स्टार्ट कर लेंगे

उसी रोड पर इस क्वेश्चन को भी ले चलेगा सर थर्टी गर्ल्स ओके okay, अब जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे निश्चित तो रूप से आप सब दो बार क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे ठीक है बतलाउ मैं अब सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए देखिए बोर्ड पर उसके बाद नोट कर लीजिएगा हैं फाइव है इन ए क्लास फोर्टी एट रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूट एमोंग देम देम मतलब दोनों को मिलाकर रुपया मिला कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 48. So लड़के को एक रुपया है और लड़की को फोर्टी पैसे तो फोर्टी पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट कर दें फोर्टी पैसे को रुपया में कन्वर्ट कर देंगे तो टू बाइव फाई क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा तो टू बाई फाइव रुपया ये क्या हो गया अगर लड़की को गर्ल्स को कितने मिल रहे हैं टू बाई फाइव रुपीज मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है और सब रुपया में कन्वर्ट कर ये भी रुपया ये भी रुपया और ये गर्ल्स का रुपया कितना है टू बाई फाइव बस ये तो समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट अब देखो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऑल सेवेंटी फाइव स्टूडेंट बॉयज ही होता सारे बॉय होते अगर सारे बॉय होते तो बॉय को देने हैं ऑल सेवेंटी फाइव बॉयज होते तो हमको तो सेवेंटी फाइव रुपया चाहिए था टोटल लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेकर रुपया टोटल कितना है फोर्टी एट अगर ऑल गर्ल्स होती ऑल सेवेंटी फाइव गर्ल्स होती और एक गर्ल्स को टू बाई फाइव रुपया मिलना है और ऑल सेवेंटी फाइव गर्ल्स होती है तो रुपया कितना चाहिए तीस रुपया तो तीस रुपया में काम चल जाता है लेकिन टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 48 रुपी दोनों को मिला है बात समझ युनिट, युनिट हमने क्या किया? सेम कर लिया अगर ऑल बॉयज होते तो पचहत्तर रुपया चाहिए क्या एक रुपया देना है एक बॉयज को और सेवनटी फाइव टोटल स्टूडेंट है तो एक बॉयज को अगर एक रुपया अगर ऑल सेवेंटी बॉयज होते तो सेवेंटी रुपया चाहिए था अगर ऑल गर्ल्स होती एक गर्ल्स को दो बटे पांच रुपया देना है, 75 है ना तो, टोटल तो कितने बॉय है कितने गर्ल्स है कितने ये निकालना है तो सेवेंटी फाइव फोर्टी एट का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी फोर्टी एट का डिफरेंस करेंगे तो एटीन इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो नाइन दोनों में कॉमन है थ्री तो क्लियर है रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का ये बॉयज का रेशियो हो गया ये किसका हो गया गर्ल्स का रेशियो हो गया तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है टू इज टू हो गया तो टू प्लस थ्री मिलकर कितने हो रहे हैं फाइव फाइव इज इक्वल टू टोटल कितने हैं सेवेंटी फाइव तो वन इज इक्वल टू कितने हो गए फिफ्टीन वन इज इक्वल टू फिफ्टीन हो गए तो बॉयज कितने हो गए बॉय कितने हो गए टू इंटू फिफ्टीन थर्टी और थ्री इंटू फिफ्टीन कितने गर्ल्स कितने हो जाएंगे फोर्टी फाइव तो राइट आंसर मेरा क्या हो गर्ल्स के बारे में पूछ रहा है तो गर्ल्स के बारे में पूछा गर्ल्स कितनी है तो थर्टी नहीं होके फोर्टी फाइव गर्ल्स है इस ग्रुप में यही राइट आंसर होगा बात समझ गए तो थर्टी नहीं राइट आंसर कितने होंगे फोर्टी फाइव क्या समझ में आया या एक बार फिर से और रिपीट, और रिपीट सर बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ ओके पूरा का पूरा मैं यहाँ से इरेज कर दिया अब दे। यहां पर टोटल स्टूडेंट कितना, तो कितना, कितना करना अड़तालीस और गर्ल्स को मिला के गर्ल्स को देना है 40 पैसे। 40 पैसे को रुपिया में कन्वर्ट किए पांच रुपया अगर ऑल सेवेंटी फाइव गर्ल्स होती तो हमको रुपया कितना चाहिए था तीस ये बात समझ गया? है। लेकिन रुपया तो तो टोटल नंबर रहा है कितना है सेवन टू प्लस थ्री मिलकर फाइव हो रहे हैं फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव है तो वन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे फिफ्टीन तो बॉयज की बात करेगा तो बॉयज का रेशियो क्या है टू है टू इन फिफ्टीन कितने हो गए थर्टी बॉयज एंड गर्ल्स की बात करेगा तो क्या है थ्री है तो थ्री इंटू फिफ्टी कितने हो गए फोर्टी फाइव गर्ल्स गर्ल्स पूछ रहा है इसलिए राइट आंसर क्या होगा फोर्टी फाइव अब बात समझ में आ गया या फिर से एक yes, बार सबको समझ में आ गया yes, sir. कोई बात नहीं रिपीट करना होगा तो बोल देना रिपीट कर दूंगा मैं ओके okay, एक बार वीडियो फिर देख लेना तो समझ ऑल क्लियर है बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन नंबर अलेवन एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं 11, 11 करते यहीं रखते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन ट्राई कीजिएगा एक लेटर वगैरह कभी कोई होगा किलो लीटर है यहाँ पर वो तो कॉमन सेंस की बात है समझ में आ जाएगा किलो लीटर संजय दिखाई दे रहा है स्क्रीन हट जाता है फिर आता है हट जाता है इस तरह से होता है कोई बात नहीं थोड़ा तो मैनेज कर लीजिए फिर हट गया सर जैसे लाते हो वैसे अमन आपका स्क्रीन नहीं हट रहा है बाकी लोग का नहीं, नहीं हट रहा है फिर है आ जाता है हो सकता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो मे बी ट्राई कीजिए करने से फोर्टी परसेंट प्रॉफिट हो रहा है वाटर टू मिल्क पूछ रहा है मिल्क टू वाटर भी पूछ सकता था यहाँ वाटर टू मिल्क पूछ रहा है वाटर टू मिल्क वाटर हिज कस्टमर रिसीव जो कस्टमर जो बेचता है उसमें वाटर कितने है मिल्क कितने है. किस रेशियो में ले रहा कस्टमर के पास ये बेच रहा है तो किस रेशियो में ये जो मिलाया है किस रेश मिला है दोनों बात एक ही है कोई बताना चाहेंगे तो बताएंगे आंसर फिर हम बतलाएंगे आपको सर वाटर टू मिल्क है 1:4 1:4 वाटर टू मिल्क ही पूछ रहा है तो वाटर टू मिल्क यानी वन इज टू फोर आप लोग का आया है और कि का सर फोर इज टू वन ना होगा कि वन इज टू फोर होगा हम वाटर टू मिल्क है Water तो, तो, तो फोरी फोर तो फोर होना चाहिए यानी कि चार लीटर वाटर मिलाया है एक लीटर मिल्क हो सकता है हाँ ओके देख लेते हैं okay, हम क्या होगा क्या कि दोनों ऑप्शन में रहेंगे वन इस तू फोर भी रहेगा फोर इस तू वन भी रहेगा ओके okay? प्रिंसू प्रिंसू है क्लास में बंदा समझ में आ रहा है प्रिंसो हम्म yeah. hmm. विशाल आराधना बनाए बना रहे सर ठीक है दिमाग लगाना है देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं है रोड वही है। 100 हो रहा है। इसकी है। नहीं तो आदमी मैट्रिक इंटर पास किया ग्रेजुएशन पास किया है तो उसी में काम चला लेता है लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम मैनेज करना है और थोड़ा थोड़ा कहां पर अटक रहे हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में

कंफर्मेशन में टाइम लग जाता है हाँ हाँ लगता है लगता है इसलिए तो करवा रहे हैं आपको तो। और सभी एक एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ना बनते हैं ना बनेंगे इवन सेंटेंस भी हंड्रेड परसेंट सेम रहेगा डाटा भी हंड्रेड परसेंट सेम रहेगा आपका एग्जाम में ऐसा नहीं कि हमने क्रिएट किया है बल्कि एग्जामिनेशन में जो पूछा गया उसके आधार पर कलेक्शन करके ये दिया गया है ओके okay, अब सभी स्टूडेंट जरा ध्यान दें अब अपना कैलकुलेशन छोड़ दीजिए बिल्कुल उसको अब रहने दीजिए अब फ्रेश बनाइए इलेवन नंबर देख के बाद में देखिएगा कहां पर आप मिस कर रहे थे क्यों नहीं हो पा रहा था ठीक है अब देखो एक मिल्क सेलर पेज 500 पर किलो लीटर यहां ध्यान देने की बात है क्या पर किलो लीटर पर लीटर नहीं लिखा हुआ है पर किलो लीटर लिखा हुआ है एक किलो में कितना होता है हजार एक किलो लीटर किलो एक लीटर में एक लीटर और एक किलो लीटर का मतलब एक हजार लीटर बात समझ रहे हो ना यहाँ पर यहां यही समझना था कितना किलो लीटर है किलो का मतलब होता है हजार और लीटर है बात समझ रहे हो ना तो यानी कि हजार लीटर का रेट है ये ये बात समझने तो तो की, की बात है तो हजार लीटर का रेट पांच सौ रुपया है तो पांच सौ रुपया टोटल हजार लीटर का रेट है तो एक लीटर का रेट कितना होगा एक लीटर का रेट कितना होगा एक लीटर का रेट कितना होगा पचास पैसे ना क्या जी हाफ रुपया हाफ रुपया मतलब फिफ्टी पैसे ये समझने की बात है इस क्वेश्चन में मेन बात पहला बात ये समझने का था तो कहता है मिल्क सेलर पे फाइव हंड्रेड पर किलो लीटर एक हजार लीटर खरीदने में पांच सौ रुपया देता है तो एक लीटर वो खरीदता कितना में है मिल्क एक लीटर मिल्क खरीदता है फिफ्टी पैसे यानी कि आधा रुपया में ठीक है ये कैसे निकला पांच सौ रुपया हजार लीटर का खर्दे हो तो एक लीटर का रेट कितना हो गया आधा रुपया और रुपया कन्वर्ट कर दे किस में पैसे में ही एड वाटर इसमें वाटर मिलाता है तो वाटर का रेट कितना है जीरो पैसे पर लीटर और मिलाने के बाद 56 पैसे बेचता है ये सेलिंग प्राइस है और बेचने के बाद 40 परसेंट प्रॉफिट होता है तब 100 वगैरह बार बारेड प्लस मिलकर वन फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स है तो हंड्रेड इजल टू क्या होगा 56 सिक्स बाई वन फोर्टी क्या हो जाएंगे 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फोर्टी निकलेंगे तो फोर्टी ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया इस फोर्टी को कहा ले चलना है यहाँ पर लिखना है ये जी जीरो पैसे है ठीक है तो यहाँ पर 40 पैसे पर के जी ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। तीनों क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो रहा है फोर तो तो किसका, किसका है मिल्क का है और वाटर का कितना है वन है अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो होता है तो फोर इंस टू वन लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर टू मिल्क पूछ रहा है तो वाटर टू मिल्क क्या हो जाएंगे वन इंस टू फोर राइट आंसर होंगे वाटर टू मिल्क का पूछ रहा है तो वाटर टू मिल्क वाटर का, का four, तो वन right है, है कितना तो right बात समझ में आए हैं या फिर समझाउ एक बार क्या ये करते ओके okay. संजय आपका समझ में आ गया वन इंस टू फोर होगा फोर इंस टू वन नहीं होगा

ठीक है एक बार फिर से रिवाइस कर लीजिएगा आप ठीक है और मैं इसको अपलोड कर दूंगा आप लोग को यूट्यूब पर ठीक है आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना क्या सर कल जो आप वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब में यस मिस्टर तो तो, हाँ, तो 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 उसमें जो है सो स्क्रीन छोटा छोटा दिखा दिखा रहा है थोड़ा मिसिंग हो गया था नहीं सेट हो पाया था आज उसी को करके हम लोग टेस्ट करके आज कर रहे हैं तो वो हो जाना चाहिए सक्सेसफुली ठीक है मैं वो देख, देख फिर तब अपलोड कर देंगे इसलिए आज रिवाइज so, तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों साथ में हाँ दोनों दोनों दोनो, आज का जो पूरा क्लास है ना वो पूरा रिवाइज पूरा हमने रिवाइज करके फिर वो दोनों साथ में कर दूंगा ठीक है तो आप लोग जुड़े हुए थे एनआईएम रांची के लाइव क्लासेस में ठीक है जो नहीं क्लास कर पाए हैं निश्चित रूप से यूट्यूब पर देख लेना और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे निश्चित रूप से अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा इवन में एन का रांची का एक पेज भी है फेसबुक पर उस पर भी अपलोड कर देते हैं और एक उसका फेसबुक अकाउंट भी है दोनों पर अपलोड कर देते हैं हम ठीक है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग देखा करेंगे तो ठीक है आज हम लोग इतना ही रखे क्या करते हो आप लोग बताओ सर कोई प्रॉब्लम नहीं yes, yes, भूख भी लग गया अब सर बहुत अच्छी बात है आराम जाए खा पी के आराम कीजिए सोना भी बहुत जरूरी है सात आठ घंटा कम से कम सो लो लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट देखते हैं सुनने में आ रहा है की आठ नौ सात आठ घंटा क्या बारह तेरह घंटा सो लेते हैं ठीक है तो उतना भी ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है ठीक है ठीक ठीक ओके भाई थैंक यू स्टे यू मैंने